हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? दीपिका। सैली शाक्या। ओके, और कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? सेकेंड डे। बेसिकली कहाँ से हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरुखाबाद के। वेरी गुड। लखनऊ की हो। अब आप लखनऊ की हो गए, चलिए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो आज डे है आपका सेकेंड, है ना? तो दोस्तों, सेकंड डे के हिसाब से मैं इनको सिंगल रोड पे लेके जा रहा हूँ, और सिंगल रोड के ट्रैफिक पे कार को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है, बट सीखने को ज्यादा मिलता है। सिंगल रोड पे जिसने कार चला ली ना, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रोड पे कार को चला सकता है, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने से खतरा ज्यादा रहता है। डिवाइडर रोड पे सामने से खतरा नहीं रहता। स्पीड ब्रेकर आ रहा, ब्रेक पे पैर लेके आ जाइए, दबाना नहीं है, क्योंकि 10-20 मीटर पहले अगर आप एक्सेलेटर को रिलीज कर देते हैं तो वो नॉर्मल स्पीड आ जाती है। जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 10-20 होती है। हल्का लेफ्ट आ जाओ, अभी स्पीड मेंटेन कर लीजिए, अब थोड़ा सा स्पीड ले लीजिए, क्योंकि आप चल रहे हो सिंगल रोड पे। 20 के अराउंड आप यहाँ पे चल सकती हैं। अभी जैसे सपोज दीपिका जी, आपको जिसे गाड़ी को साइड में रोकना है, तो रोकने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे सडन नहीं रोक सकते हो, पहले आप लेफ्ट का सिग्नल दीजिए ऊपर को, हाँ प्रॉपर। हाँ, अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करिए, और सेकंड गियर में चल रहे हो तो कार को रोकने के लिए राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, पूरा क्लच दबाओ, पहले फुल क्लच दबाओ। फुल क्लच दबाया, अब धीरे धीरे आपको ब्रेक लेना, और लेफ्ट आओ, हाँ राइट रखो, अब ब्रेक लगा दो, पूरा ब्रेक, ठीक है, पूरा क्लच दबा। पूरा क्लच क्यों छोड़ रही थी? अभी इंजन बुझ जाता। क्लच को तब तक नहीं रिलीज करना जब तक अगला कदम नहीं उठाना है आपको। अब पहले आप इसको करो फर्स्ट गियर में, गुड। अब ब्रेक को रिलीज करो, पहले ब्रेक, अब राइट का सिग्नल दो नीचे को, ताकि पीछे वालों को ये कंफर्म हो जाए, जब कार को स्टार्ट करके चलना है तो राइट का सिग्नल, जब रोकना है तो लेफ्ट का। अब क्लच को 20% छोड़ना है, 20 से ज्यादा नहीं। धीरे धीरे रिलीज करो, धीरे धीरे, और बस, अब इससे ज्यादा थोड़ा सा 2% और, चलो धीरे से क्लच छोड़ो, क्लच से बस गाड़ी बढ़ जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। आप क्लच रिलीज ही नहीं कर रही थी, इसलिए गाड़ी आपकी बढ़ ही नहीं रही थी। अब सिग्नल बंद कर दूं, अब आपका लेफ्ट वाला पैर फिर 2-3 इंच ऊपर खिसक गया पैर। दीपिका जी, आपका जो अंगूठा है ना, उससे हमें पैडल इस्तेमाल करना, ना कि तलवे से, ठीक है? अब क्लच को फ्री कर दो, अब थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, और थोड़ा सा और। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, दबाना नहीं, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, फटाफट जल्दी से खींचो पीछे, बस हो गया, छोड़ो क्लच, और लेफ्ट आओ, हाँ क्लच को फ्री कर दो। राइट वाला पैर, जरूरी नहीं कि हमको ब्रेक लेना होता है, वो एक बहाना चाहिए होता है एक्सीलेटर से पैर हटाने का, ठीक है? अभी स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी राइट नहीं जानी चाहिए दीपिका जी, गाड़ी आपकी लेफ्ट ही रहनी चाहिए। हाँ, हल्का लेफ्ट आ जाओ, चलते रहो धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट ही रखो, राइट नहीं, जितना लेफ्ट रखोगे उतना आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, हाँ स्पीड कम, हल्का राइट रखो, हाँ ब्रेक पे पैर रखो, हाँ। अभी आपको लेफ्ट का सिग्नल देना है, क्योंकि आगे से हमें चलना है लेफ्ट, मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 मीटर पहले। अगर आप विगनर हो, सीख रहे हो, नए व्यक्ति हो, तो आपको थोड़ा पहले से हर चीज करना है। अब यहाँ पे करना है दीपिका जी आपको इसको फर्स्ट गियर में, पूरा क्लच दबा के फर्स्ट गियर, क्लच दबाना कंपलसरी, वेरी गुड। अब फरुखाबाद के है ना, तो क्लच में ताकत ज्यादा लगाइए, गियर में कम लगाइए, आप उल्टा कर रहे हैं, आप गियर में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, क्लच में कम लगा रहे हैं, अब क्लच को अब छोड़ दीजिए। फरुखाबादी लोग तो लेफ्ट टर्न करो, क्लच में ज्यादा ताकत लगाते हैं, लेफ्ट टर्न करो धीरे धीरे, और टर्न करो, हाँ बस, और थोड़ा हो, गुड, वेरी गुड। अब हाँ बस, अब थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, गाड़ी लेफ्ट ही रखो दीपिका जी, लेफ्ट ही रखो, क्योंकि हमारी साइड लेफ्ट है, हम विगनर हैं। अब स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा और, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी जल्दी, आओ वेरी गुड। ये हुई ना बात, अब लग रहा है फरुखाबाद के हैं, राइट रखो, अब क्लच को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो क्लच और गियर का मैचिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग गियर पहले खींच देते, क्लच बाद में दबाते, कुछ लोग क्लच इतनी देर तक दबाए रहते हैं कि वो गाड़ी ही खड़ी हो जाती है, फिर उनकी हॉर्न
ऐसी सिचुएशन में हॉर्न देना जरूरी होता है, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई सडन तेजी से तो ले जाएगा साथ में, और हम अभी जाना नहीं चाहते, स्पीड बढ़ाइए, हॉर्न 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 हॉर्न, हाँ जाओ जाओ जाओ, देखो रुका, अगर आप हॉर्न नहीं देती तो वो अभी ले गया था, इसलिए थोड़ा बिफोर का प्लान करके चलना है, चलने तो धीरे धीरे, बीच बीच में जब रास्ता क्लियर दिखे तो हल्की स्पीड बढ़ा लिया करिए, उससे पता है क्या होगा, हल्की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, कभी आपको ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, जब स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी तो ब्रेक लगाने का मौका मिलेगा, और जब गाड़ी स्लो होगी तो हल्का स्पीड भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, राइट रखो तो उससे थोड़ा ज्यादा नीचे जा रही है, अभी बढ़ाइए स्पीड, चलो रेस करो, राइट रखो हल्का राइट, और राइट, सॉरी स्पीड बढ़ाइए हल्का सा, अब ऐसी सिचुएशन में एक बार हॉर्न जरूर दो, राइट साइड से रास्ता है तभी भी कोई भी आ सकता है, तो ऐसे में एक बार आपको हॉर्न देना जरूर है, हॉर्न दे के तब निकालना है, ठीक है, लेफ्ट आओ, स्पीड बढ़ाइए, हॉर्न गुड, अपने लेफ्ट वाले वो आरबीएम को चेक करिए जरा, देखो लेफ्ट में कोई आ रहा है, कोई लेफ्ट को राइट, तो आप बैठे ही राइट नहीं भी, देखो पासिंग डीपर दो इसको, पासिंग डीपर, हाँ इसको ऊपर उठाना होता है, रुको बताता हूँ, ये जो है ना ये इसको यहाँ से ऐसे ऊपर लेना होता है, ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाओ, हाँ ये अब लाइट यहाँ पे एक लाइट जलती है, लेफ्ट आओ, हाँ चलो सीधी करो, हल्का राइट रखो, ब्रेक पे पैर, हॉर्न, हाँ लेफ्ट आओ, हॉर्न, हाँ राइट रखो, यहाँ एक्सीलेटर नहीं है, एक्सीलेटर नहीं, यहाँ एक्सीलेटर क्या सोच के दिया था आपने, स्पीड बढ़ाने की नहीं, स्पीड की यहाँ जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे रोड और ज्यादा नैरो हो गया है, देख रहे हैं आप, हाँ। वहां के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोड और पतला हो गया, हल्का राइट रखो, चल हल्का राइट रखो, चलने दो धीरे धीरे, और लेफ्ट आओ, बस लेफ्ट आओ, लेफ्ट धीरे धीरे चलो, हल्का राइट रखो राइट, हाँ बस धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ बहुत लाइटली, हाँ लेफ्ट आओ, हाँ और लेफ्ट लेफ्ट राइट रखो, नहीं अभी उसको बोनेट पे बिठा लेता, कौन बाइक वाला, बाइक वाला उसको भी अभी टांग लेता अपने मडगार्ड पे, हाँ ले लो, हॉर्न कट, अभी राइट का सिग्नल दीजिए दीपिका जी, हाँ आप नीचे क्यों उतर गए, राइट का सिग्नल दिया ना, अच्छा राइट का सिग्नल देने के लिए नीचे उतरना पड़ता, वाओ, हॉर्न गुड, हल्का राइट रखो, हाँ जाओ धीरे धीरे, हाँ बस बस वो लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, चलो चलो चलो, हाँ टेंशन ना लीजिए, हम लोग को घूर रहे हैं, लेफ्ट आओ, ये तो वही हुआ, आप बैल मुझे मार, समझ ही नहीं पाए आपस में, हॉर्न, गुड बहुत बढ़िया, नाइस, गजब चला रही हैं आप, थोड़ा सा सीरियस होना है बस यहाँ पे, बाकी तो सब सही है, सीरियस तो देखो पसीना उसी को आता है ना जो सीरियस होता है, बाकी तो लोग कहते हैं ठंडी लग रही है, शीशे बंद कर लो, ब्रेक पे पैर, गुड, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए दीपिका जी, हाँ बढ़ाओ और बढ़ाओ, अब अचानक गाड़ी आपको रोकना है, पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, बहुत बढ़िया गजब, पीछे मत देखो आगे देखो, क्लच दबाओ पूरा, अब इसको फर्स्ट गियर में करो, इसको बोलते अचानक, है ना, जो तुम्हारी बची कुची हड्डी है ना वो भी ये उखाड़ देंगी, समझ रहे हो, ये भी भाभी से बच के रहना अपनी, चलो बढ़ाओ जाओ धीरे धीरे, ब्रेक छोड़ो ब्रेक, अब ध्यान रखना सालनी, कभी भी ब्रेक लग सकती है, हाँ। या तो यही होगा कल से, भाभी मैं नहीं जाऊंगी, आप चली जाओ, अब तो हमको इधर उतार दो, मैं यही खड़ी हूँ, मतलब नहीं है,
लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, गड नहीं हुआ, थोड़ा सा और हम चलने दो धीरे धीरे। हाँ अब आगे से हम लोग लेफ्ट चलेंगे। हाँ यहीं से प्यार से। हाँ वाओ वेरी गुड नाइस। अब इस पेड़ का सर्कल बनाना है आपको। यहां से राइट टर्न करना है। हाँ वाओ वेरी गुड। अब ये सामने वाला पेड़ है, इसका सर्कल बनाना है। सीधी करो, मैथ का एट बनाना है, इंग्लिश का एट, समझ गए? बचपन में बहुत बनाया होगा अपने पेन कॉपी पे। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।